मनीषा रानी ने हाल ही में टीवी के बड़े सितारे जैसे शुएब इब्राहिम, धनश्री और शिव ठाकरे को टफ कंपटीशन देकर झलक दिखलाजा 11 में हराकर जीत हासिल की है। जीत के बाद मनीषा रानी की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। वहीं वायरल हो रहे एक YouTube वीडियो में मनीषा रानी यूट्यूबर ठगेश के साथ वीडियो में ये बताती हुई नजर आ रही हैं कि अभी तक उन्हें कोई विनिंग प्राइज नहीं दिया गया है। मनीषा रानी और ठगेश के इसी वायरल YouTube वीडियो में उन्होंने बताया कि वो एक चाय की दुकान खोलना चाहती हैं जिसे स्पॉन्सर ठगेश करें। इस बात पर ठगेश बोलते हैं कि मनीषा रानी ने झलक दिखलाजा 11 जीता है तो उन्हें स्पॉन्सर करना चाहिए। इस बीच मनीषा रानी बताती हैं कि उन्हें अभी तक कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, जो मिलना है उसमें से भी वो लोग आधा ले लेंगे। मनीषा फिर इस बात पर भी मजाक में बात करती हैं कि लोग कैसे अमीर हो जाते हैं अगर उनका पार्टनर अमीर हो तो। मनीषा के बारे में अगर हम जाने तो वो झलक दिखलाजा में वाइल्ड कार्ड बनकर आई थी। लोगों के भारी वोट्स और पॉपुलैरिटी से मनीषा रानी ने झलक दिखलाजा का खिताब अपने नाम कर लिया और 30 लाख का विनिंग अमाउंट भी। वहीं इससे पहले भी मनीषा रानी को बिग बॉस OTT2 में देखा गया था, जिसमें मनीषा की काफ़ी फैन फॉलोइंग थी। वहीं उसी शो में मनीषा के दो अच्छे दोस्त बने थे, अल्विश यादव और अभिषेक मल्हान, जिनमें से अल्विश अंत में विजेता बने थे और मनीषा दूसरी रनर अप रही थी।